हरियाणा के शीतकालीन सत्र को लेकर आज सुरक्षा संबंधी बैठक होने वाली है। 15 दिसंबर से विधानसभा के शीतकालीन सत्र की ये बैठक होगी और साथ ही विधानसभा सेशन के हंगामेदार होने की पूरी संभावना देखी जा रही है। ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की तैयारी और सत्र में पीडब्ल्यूडी विभाग से जुड़े सबसे ज्यादा 44 सवाल। तो हरियाणा के शीतकालीन सत्र को लेकर आज सुरक्षा संबंधी बैठक होने वाली है। 15 दिसंबर से विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी। विधानसभा सेशन के हंगामेदार होने की पूरी संभावना जो है देखी जा रही है। ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की तैयारी भी पूरी है और सत्र में पीडब्ल्यूडी विभाग से जुड़े सबसे ज्यादा 44 सवाल जो है होने वाले हैं। तो गुलशन ग्रोवर हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। गुलशन, हरियाणा के शीतकालीन सत्र को लेकर जो है आज सुरक्षा संबंधी बैठक होने वाली है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल 15 दिसंबर से हरियाणा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और शीतकालीन सत्र से पहले जो विधानसभा में सुरक्षा संबंधी जो सुरक्षा किस तरीके से रहे उसको लेकर के आज बैठक होगी और बैठक खुद हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता लेंगे, क्योंकि जो यहाँ सदस्य विधानसभा में आएंगे उनकी व्यवस्था किस तरह से रहेगी, या जो लोग विधानसभा सेशन देखने आते हैं या जो छात्र विधानसभा सेशन देखने आते हैं तो उनकी एंट्री किस प्रकार से रहेगी, ये सब चीजों पर ये बैठक होते हैं। और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए हरियाणा, पंजाब और यूटी चंडीगढ़ के शीर्ष अधिकारियों से ब्यौरा भी मांगा जाता है कि किस तरह से स्टाफ को जो है विधानसभा परिसर में के अंदर जो है प्रवेश करने की अनुमति होगी, इन सब सभी बातों को लेकर के जो है बैठकें होती हैं। और ऐसे में आज ये महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि 15 दिसंबर से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है और उससे पहले की पूरी सुरक्षा चाक चौबंद रहे, विधानसभा भवन के बाहर ड्यूटी पर जो तैनात कर्मचारी हैं उनके लिए जलपान की व्यवस्था हो या स्थायी कैंटीन बनाने की बात हो या फिर अधिक से अधिक लोगों को सत्र दिखाने की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की जाए, इन सभी मुद्दों को लेकर उस बैठक में चर्चा की जाती है। तो ये आज सुरक्षा संबंधी को लेकर बैठक है और इससे पहले की सत्र भी पूरी तरह से हंगामादार होने की संभावना है तो इसका, क्योंकि इस बार सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष पूरी तरह से तैयार है, चाहे वो फसल के मुआवजे को लेकर हो, भर्तियों को लेकर हो, अवैध कॉलोनियों के मुद्दों को लेकर हो। और सबसे ज्यादा जो सवाल है इस बार विधानसभा में वो पीडब्ल्यूडी विभाग से है, यानी 44 सवाल इस बार सत्र में पीडब्ल्यूडी विभाग से रखे गए हैं। और जो की पीडब्ल्यूडी जो मंत्री है वो जो चीफ मिनिस्टर है दुष्यंत चौटाला, उनके पास ये पीडब्ल्यूडी विभाग है, ऐसे में सबसे ज्यादा 44 सवाल उन्हीं के ही विभाग से यहाँ पर लगे हैं। तो पहले दिन सदन में अवैध कॉलोनियों व अवैध हुई कॉलोनियों को लेकर सवाल जो है सदन में लगाया गया है और इस बार जो रेवाड़ी के एम्स का जो के निर्माण का जो सवाल है वो भी सदन में गूंजेगा, क्योंकि काफी समय से रेवाड़ी में एम्स बनाने की जो चर्चा चल रही थी वो अभी तक सिरे नहीं चढ़ी है और उसका सवाल भी सदन में लगेगा। और इसके अलावा फसलों का जो नुकसान हुआ ब्यौरा का मुआवजा है और कितने किसानों को अब तक राशि मुआवजे की दी जा चुकी है ये भी सदन में उठेगा। वन क्षेत्र के सवालों का भी मुद्दा उठेगा और सबसे पहले ये कि जो सदन से जो पहले दिन जो ऐतारांतिक प्रश्नों का जो सवाल है वो एचपीएससी के 2019 से 2023 तक पदों पर जो भर्ती हुई और जो रद्द की गई भर्तियों का ब्यौरा जो है इस दौरान मांगा गया है। और इसके अलावा अभय सिंह चौटाला ने 1 जनवरी 2022 से नवंबर 2023 तक की जितनी भी सीएम की घोषणाएं की गई हैं उनकी जानकारी भी अभय सिंह चौटाला ने मांगी है। तो ऐसे में बीच इस बार 15 दिसंबर से जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है उस पर विपक्ष पूरी तरह से तैयार है, तो वही सत्ता पक्ष भी विपक्ष को अपने सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। बिल्कुल गुलशन, आप बने रहिए हमारे साथ और भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे, सत्र में पीडब्ल्यूडी विभाग से जुड़े सबसे ज्यादा 44 सवाल जो है पूछे जा रहे हैं क्योंकि हरियाणा के शीतकालीन सत्र को लेकर सुरक्षा संबंधी बैठक आज होने वाली है।